अब बड़ी खबर का रुख करेंगे। ब्यावर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एसडीएम रायपुर सुरेश कुमार की कार्रवाई, पिपलिया ग्राम पंचायत का औचक निरीक्षण किया। ग्राम विकास अधिकारी रिकॉर्ड सहित नदारद मिला। ग्राम विकास अधिकारी ने निजी आवास पर वहां एसडीएम पहुंचे और पंचायत का रिकॉर्ड यहां पर मिला। एसडीएम ने सीज कर दिया वीडियो। पिछले 4 महीनों से घर से काम कर रहा था, पंचायत आकर काम नहीं करता। कैश बुक और उपस्थिति रजिस्टर सहित अन्य रिकॉर्ड भी घर पर ही मिल गए। एसडीएम ने विकास अधिकारी को चार्जशीट जारी करने के आदेश दे दिए हैं। ग्राम विकास अधिकारी को नोटिस थमाया है। रायपुर उपखंड के पिपलिया कला ग्राम पंचायत का ये पूरा मामला, ग्राम विकास अधिकारी को नोटिस थमा दिया गया है। तो वीडियो पिछले 4 महीने से घर पर ही काम कर रहा था। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता श्याम शर्मा फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, किस तरीके से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, औचक निरीक्षण किया गया, ग्रामीणों की भी काफी शिकायत रही होगी इस तरीके से ऑफिस में ना बैठकर घर से काम किया जा रहा था। जी मनीषा, बिल्कुल। ये एसडीएम जब वहाँ पहुंचे थे आज निरीक्षण के लिए, तब वहाँ इसकी निरीक्षण की जानकारी पाकर कुछ ग्रामीण भी वहाँ आए और उन्होंने बताया कि ये जो वीडियो है ये काफी टाइम से अपने घर से ही कार्य निष्पादन कर रहा है, पंचायत का काफी रिकॉर्ड भी अपने पास ही रख रहा है। तो इसकी तस्दीक के लिए एसडीएम ने जब वहाँ मौजूद स्टाफ से रिकॉर्ड के बारे में पूछा तो रिकॉर्ड वहाँ नहीं मिला। एसडीएम ने वीडियो को कॉल भी किया बट उसने रिसीव नहीं किया। ऐसे में एसडीएम उसके निजी आवास पहुंचे जो पास के गांव में था, और वहां जाके जब उसके घर की तलाशी ली गई तब वो पंचायत की कैश बुक, उपस्थिति रजिस्टर सहित अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज उसके निजी आवास पर मिले। इसे गंभीरता से लेते हुए उन्होंने विकास अधिकारी को ऐसे कार्मिक को चार्जशीट इशू करने का आदेश दिया है और उन्होंने खुद ने भी उसको एक नोटिस जारी किया है। जी मनीषा, बिल्कुल। श्याम, देखिए, ये जो औचक निरीक्षण किया गया है वाकई काबिले तारीफ, क्योंकि लंबे समय से कहीं ना कहीं वीडियो यहाँ पर नहीं था तो ग्रामीणों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। जी बिल्कुल, इस बारे में बकायदा खुद सरपंच ने भी इस बारे में शिकायत की है कि वो बार बार उनको बुलाने के बावजूद जो मासिक बैठक होती है उसमें वो नहीं आते। अन्य जो कामकाज के लिए जो ग्रामीण आए दिन पंचायत पहुंचते हैं उनको कार्मिक की गैर मौजूदगी से भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो जिस तरीके से जिस कार्रवाई के बाद ग्रामीणों को अब एक बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जगी है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए श्याम। तो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड सहित नदारद मिला और जब घर पहुंचे एसडीएम तो वहां पर देखा कि सारे रिकॉर्ड्स वहीं पर मौजूद हैं, रजिस्टर्स वहीं पर मौजूद हैं।